स्पेशल बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ में लंबे समय से बिजली विभाग लगातार अपने कारनामों से चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें कि गरुड़ के छटिया मोहर खान निवासी बहादुर राम के आवासीय मकान पर बिजली का पोल 2 साल से झुका हुआ है, जो कभी भी गिर कर दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिससे बहादुर राम का परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। इस दौरान बहादुर राम ने बताया कि कई बार विभाग को बताने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब बहादुर राम ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। मेरी समस्या ये है, पोल 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया और गरीब आदमी है। मैंने लैंडमैन को ही बोल दिया, घर में आए देख गए, फिर कहने लगे होगा, अभी 1.5 साल होने हो जा रहा है और जो अप्लीकेशन भी है उसका भी कोई ऐसा पता नहीं मिला। बाकी ज़्यादा गरीब आदमी हैं, बच्चे ही पालने मुश्किल हो रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चे भी जो कुछ कर रहे थे वो भी अभी बेरोजगार में घर बैठे हैं। साथ प्रमोद, अभी मैं मौजूद हूँ गरुड़ विकास खंड के छटिया गांव के मोहर खान तोक में। जी हाँ, यहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही किस कदर सामने आई है वो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बहादुर राम जी का जो परिवार है वो विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लगातार असमंजस की स्थिति में जीने को मजबूर है। कई बार विद्युत विभाग को इनके द्वारा सूचना दे दी गई है, बावजूद इसके विद्युत विभाग इस समस्या की ओर संज्ञान तक नहीं ले रहा है। आपको हम बता दें, बहादुर राम के आवासीय मकान पर विद्युत पोल झुका हुआ है, जो कि लगातार खतरे की जद बना हुआ है। जड़ से भी पोल लगातार उखड़ने की संभावना बन रही है। कभी भी किसी भी समय पोल जो है दुर्घटना को दावत यहां पर दे सकता है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन आखिर इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? विद्युत विभाग आखिर इस समस्या की ओर आंखें मूंद कर क्यों बैठा हुआ है? यह अपने आप में सोचने वाला विषय है। कई बार बहादुर राम ने विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी विद्युत विभाग इस स्थिति का जायजा लेने के लिए तक यहां पर मौके पर पहुंचने के नदारद साबित हो रहा है। आखिर विद्युत विभाग चाहता क्या है? आखिर लगातार विद्युत विभाग अपने इस कारनामों के लिए लगातार चर्चाओं में बना रहता है। तो अब देखना यह है कि विद्युत विभाग बहादुर राम जैसे जो भी लोग हैं जिनको लगातार बिजली के पोलों से तारों से लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सुध विद्युत विभाग। बागेश्वर गरुड़ के डुकुरा, सेलकुना और गणखेत के ग्रामीणों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य बहादुर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए क्षेत्र विधायक चंदन रामदास पर अनदेखी करते हुए उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दरअसल साल 2015 से डुकुरा, सेलकुना, गणखेत मोटर मार्ग की सर्वे होने के बाद भी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन और क्षेत्र विधायक पर बिगड़ते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मोटर मार्ग के निर्माण का काम नहीं हुआ तो चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। ये हमारी समस्या ही समस्याएं हैं। बुड्ढे आदमी हैं, चल नहीं पाते हैं, जब पेंशन लेने भी नहीं हम जा सकते, कैंटीन सुविधा भी हम ले नहीं पाते हैं, बहुत मुसीबत है। कभी कभी तो गिर भी जाते हैं रास्ते में, बहुत मुसीबत से हम जो है वो कर रहे हैं। 2015 में रोड पास हुई थी, तब से लेकर के आज तक बस ऐसे ही बस लटकाने भटकाने अटकाने का ही काम हो रहा है सरकार की तरफ से। यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि न तो पहुँचता है, वोट मांगते वक्त तो सभी आते हैं, वो हमें कहते हैं कि भैया रोड लाएंगे हम, लेकिन आज तक कोई जो है ये रोड का कोई बंदोबस्त हो नहीं पाया है, हम बहुत मुसीबत में हैं। देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकास खंड के गढ़खेत जैसर ग्राम पंचायत में। जी हां, लगातार 2015 से अभी तक यहां के ग्रामीण किस प्रकार आश्वासन में जी रहे हैं, वादों में जी रहे हैं, वो हकीकत आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। जनप्रतिनिधियों की ओर से, क्षेत्रीय विधायक की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार आम जनमानस को गुमराह किया जा रहा है। 2015 से रोड की सर्वे हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक मोटरमार्ग निर्माण कार्य का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को 8 से 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें बुजुर्ग हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें काफी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रसव वाली महिलाएं होती हैं, या फिर कभी सिलेंडर महिलाओं ने ले जाना है, या फिर बीमार जो बुजुर्ग हैं उनको डोली के माध्यम से ले जाया जाता है, और यहां की स्थिति ऐसी है कि डोली ले जाने के लिए भी यहां पर युवा वर्ग मौजूद नहीं है। पलायन इतना हो चुका है मोटरमार्ग न होने की वजह से आम जनमानस में, इसके लिए प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय विधायक जो हैं उनके खिलाफ लगातार आक्रोश बना हुआ है।
ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, ये जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक की बनती है, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की बनती है कि जिन्होंने सत्ता पर राज करना है, जिन लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेना है, वो आखिर इन क्षेत्र के जो लोग हैं इनकी समस्याओं से मुखर क्यों हो रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी यहाँ के ग्रामीण जो हैं गुलामी झेलने को मजबूर हैं, चलने को रास्ते नहीं हैं, और भी जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की लगातार सामने आ रही हैं, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर यह भी दबाव ग्रामीणों की ओर से बनाया जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है अगर उससे पहले यहां मोटरमार्ग का निर्माण कार्य नहीं होता है तो फिर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो मिल करके चुनाव बहिष्कार करें। बागेश्वर गरुड़ के प्रसिद्ध अंग्यारी महादेव शिव मंदिर में संत साधु और स्थानीय श्रद्धालु के सौजन्य से ब्रह्म ऋषि अंगीरा की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ब्रह्म ऋषि अंगीरा की मूर्ति को पिंगलों से बागेश्वर ले जाकर स्नान कराने के बाद क्षेत्र में शोभा यात्रा भी निकाली गई है। अंग्यारी महादेव में हम 5 साल से अभी यहाँ आए हैं और इस क्षेत्र में हमको लगा कि ये अंगिरा ऋषि जी की ये तपोस्थली है और गोमती गंगा जी का उद्गम द्वार है और हमारे अंगिरा महादेव बाबा की ये तपोस्थली है और यहाँ पे जो है कि एक उदारीकरण होना चाहिए और जो आज तक यहाँ की जो जन जागरूकता यहाँ की अभी नहीं समझ पाई है, इसके लिए हमको यहाँ पे जो है ये व्यवस्थाएँ बनाना पड़ा और हमको जहाँ पे जिनके लिए अंगिरा महादेव यहाँ पधारे थे महादेव जी है ना, तो उनका तो कोई यहाँ स्थान ही नहीं था, कोई यहाँ उनका कोई स्वरूप ही नहीं था और इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले प्रथम अग्नि जो आपके अंदर हमारे अंदर सर्व संसार के अंदर जो प्रथम अग्नि विराजमान है जिनका का नाम अंगिरा ऋषि जी है। बागेश्वर में आज स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से महिला सिलाई पर आधारित 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक देवेंद्र गुंजियाल ने बताया कि प्रशिक्षण में सिलाई के बारे में छोटी बड़ी सभी बातों के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही उनकी स्किल डेवलपमेंट को निखारने और स्वरोजगार के नए आयाम के बारे में भी अवगत कराया गया है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है, मैम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैम ने हमें बेसिक की जानकारी दी है जो हम मतलब 99% तक सीख चुके हैं। बेसिक भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे पेटीकोट, सादा ब्लाउज, सलवार कमीज, इस तरह की चीज़ें हमने सीखी हैं और साथ ही आरसी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ के निदेशक सर और फैकल्टी मेम्बर और बाकी के स्टाफ ने भी हमारा बहुत सपोर्ट करा है। हम यहाँ सिलाई में आए थे और हमने सिलाई का बहुत कुछ सीखा, मैम ने हमसे हमें बहुत अच्छे से सिखाया और आरसीटी के द्वारा हमें बहुत कुछ जानने को पता मतलब जानकारी मिली कि हम कैसे आगे को अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना मतलब चला सकते हैं आगे को काम। आरसीटी के थ्रू करवा रही हूँ और मुझे यहाँ पर जितना कोर्स मिला था वो मैंने कंप्लीट करा था, यहाँ पर बच्चों के लिए है और बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरा जितना उद्देश्य था वो मैंने यहाँ पर आके पूरा किया, बच्चों का 99%। ये हमारे जो है ग्रामीण भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एक गवर्नमेंट का संस्था है जो स्टेट बैंक के साथ MORDD के द्वारा जो है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा स्थापित है। इसमें जो है हम इस फाइनेंशियल ईयर में सिलाई बैच हमने जो है इसी मंथ अगस्त के जो है 8 तारीख से लेके अभी सितंबर के 9 तारीख तक एक बैच हमने जो है अभी संपन्न कराया है जिसमें 28 स्टूडेंटों ने भाग लिया, जिसमें सिलाई कढ़ाई और काफ़ी चीज़ें इनको जो है बताया गया। इसके लिए एक ट्रेनर जो क्वालिफाइड हमारे नेसर से हैं उनको बुलाया जो रुद्रपुर से यहाँ आई हैं और उनके द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें सिलाई से बारीक सिलाई की जो है सिलाई से। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा कार्यालय के बाहर बेरोजगारी को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार की इस अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आवाज उठाई जाएगी।
नौकरी के नाम पे जो है बार बार जो है झांसे दिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हमने देखा कि उत्तराखंड के युवाओं को जो कि बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी हैं, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो एक यहाँ का मूल उद्देश्य है, उसको जो है बार बार उसके साथ छलावा हो रहा है, बार बार उसको भटकाने और भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। नौकरी के नाम पे दलाली हो रही है, अपने खास रिश्तेदारों और अपने चहेतों को वहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है और आम जनमानस के साथ जो है बार बार पोस्टर निकाल करके उनको भ्रमित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार उनके अनुसार जो निर्देश हुआ था उनके अनुसार आज पूरे 13 के 13 जिलों में, पूरे प्रदेश में आज हम लोग जो भ्रष्टाचार जो उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर चरम पर है उसके विरोध में भाजपा कार्यालयों के बाहर से हम लोगों का एक आज धरना प्रदर्शन है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार को कि इस प्रदेश में युवा पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, क्या रोजगार का हक आपके मंत्रियों के बेटों को है, उन्हीं के रिश्तेदारों को है, आपके विधानसभा अध्यक्ष के पुत्रों को है? यहाँ इस प्रदेश में आम लोग भी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, उनको भी अधिकार है, उन्होंने भी संघर्ष किया है। बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें संघ ने कोरोना महामारी के चलते आर्थिक स्थिति प्रभावित होने पर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते श्रमिक और काश्तकार बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं जिसके लिए सरकार को आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथ ही संघ ने राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए किए गए फैसलों पर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। कार्य समिति के नेतृत्व में समूल भारतवर्ष में हर जिले में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश में हो रही जो महंगाई है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए उन पर एक ठोस कदम और कार्रवाई और कानून बनाने के लिए ज्ञापन किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आम श्रमिक जीवन जो है कठिन हो गया है इस समय जीना, जैसी महंगाई की मार पड़ रही है, इसी वजह से हम लोग आज यहाँ जो कार्यकारिणी हमारी है, हम ये जो महंगाई जो हो रही है इसके उपलक्ष्य में श्री जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो महंगाई है इसको जरा कम करें, इसको कोई नियंत्रण करें। बागेश्वर जिले के मंडलसेरा में जिलाधिकारी विनित कुमार की निगरानी में कृषक दयाल गिरी के खेत में क्रॉप कटिंग का काम किया गया। दरअसल कृषि विभाग के नियम अनुसार दयाल गिरी के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं क्रॉप कटिंग के दौरान खेत से कुल 9 किलो 200 ग्राम धान प्राप्त हुआ है। इस दौरान विभाग ने इसका आंकलन कर बताया कि 30 वर्ग मीटर के इस प्लांट से उत्पादित धान का सौखता घटाते हुए 30 वर्ग मीटर से 7 किलो 54 ग्राम निर्धारित किया गया है। साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी ने विभाग को निर्देश करते हुए कहा कि विभाग किसानों के साथ मिलकर उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये क्रॉप कटिंग का पर्पस बेसिकली होता है कि जो हमारा जो धान का प्रोडक्शन है उसका एक पूरे देश भर का जो एस्टिमेशन होता है वो इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसमें जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं उनकी अलग अलग ड्यूटीज रहती है कि वो अलग अलग खेत में जाके क्रॉप कटिंग करते हैं और एक 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 जो हमारा 5x6 का जो हमारा एरिया होता है उसमें क्या प्रोडक्शन है, उसके बेसिस में पूरे हमारे जनपद में क्या प्रोडक्शन ओवरऑल रहा है उसका भी एस्टिमेशन इसके माध्यम से किया। बागेश्वर कपकोट में बीते कुछ दिन पहले पूर्व विधायक ललित फरसवाण और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गड़िया ने अपने साथियों के साथ जातोली का भ्रमण किया। इस दौरान विभाग की ओर से काफी जगह पर अव्यवस्थित ढंग से काम किया गया है जो कि पर्यटन और स्थानीय निवासियों के हक में नहीं है। दरअसल क्षेत्र में पुल है तो पुल का संपर्क मार्ग नहीं है। वहीं गेस्ट हाउस सिर्फ सरकारी धन को खपाने मात्र के लिए बनाए गए हैं, साथ ही रास्तों का भी कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सुंदर डूंगा ट्रैक रूट की हालत देखकर टूरिस्ट गाइड और स्थानीय निवासी में भी बेहद निराशा बनी हुई है। इस दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की बात कही है। अभी हम जातोली में है, आधुनिक पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी 3 दिन से इस क्षेत्र में भ्रमण में है और अभी हम जब जातोली से 500 मीटर पहले जो पुलिया अभी हम वापसी जातोली से गए कल रात को हम यहाँ से गए थे तो आप देख रहे पैदल पुलिया बनी हुई है। पैदल पुलिया कितना समय हो गया पैदल पुलिया का बने हुआ
2018 में पैदल पुलिया बनी थी, अभी इसका संपर्क मार्ग आप देखिए, ये संपर्क मार्ग किस तरीके से, मतलब व्यक्ति किस तरीके से इसमें चढ़ेगा, बीमार लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, वो यहाँ से कैसे, जानवरों के लिए तो बिल्कुल, जानवरों के लिए बिल्कुल बंदी है, आदमी भी कोई जवान लड़का है वही इससे जा पाएगा, तो इतनी गंदी कंडीशन है और पूरे क्षेत्र में, ये यहाँ के क्षेत्रीय निवासी है, आप इनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्या उनसे हो रही है। यहाँ के लोगों ने जब जाकोली हम लोग पहुँचे, ये सुंदर डूंगा ट्रैक टूट के हमारे पुल है और यहाँ पर हमारे चार पुलियों का निर्माण होगा, किलोमीटर चार में, किलोमीटर सात में और किलोमीटर दस से ग्यारह के बीच में और ग्यारह से बारह के बीच में हमारी चार पुलियाँ हैं, जाकोली से लेके हमारे ले और रिटर्न भटक से लेके जाकोली तक ये हमारे बन रहे और हमारे कठलिया तक बन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है लोक निर्माण विभाग जो कान में रुई डाल के बैठा है, जिला प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, कैसे हमारा उत्तराखंड का रोजगार बन पाएगा, कैसे हम लोग अपनी आजीविका को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब हमको पर्यटन कहता है कि भैया आप जरा सी अपनी पिंडारी ट्रैक को देखिए, जरा सुंदर ढूंगा ट्रैक को देखिए, तो हमारा भी सर झुकता है। तो हम चाहते हैं जो अधिकारी कुर्सी में बैठ कर दस दस बीस बीस हजार रुपये खाली टीए बिल बनाते हैं, लाखों रुपये तनख्वाह लेते हैं, जरा सी अगर पिंडारी रूट पर, सुंदर ढूंगा रूट पर आकर देखेंगे तो पर्यटकों की जो डिमांड है उस डिमांड को भी निश्चित तौर पर वो सकारात्मक करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से अगर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कपकोट जो दोनों डिवीजनों में बागेश्वर डिवीजन भी और कपकोट डिवीजन भी देख रहे हैं, अगर जरा सी आपको कमीशन कमाने से फुर्सत है तो जरा इस पिंडर घाटी के और सरयू का सुंदर ढूंगा घाटी के इन ट्रैक रूट के पुलों को भी देखें। बागेश्वर जिला पंचायत में विपक्षी शब्द पर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल प्रशासनिक लेटर में विपक्षी शब्द का इस्तेमाल करने पर धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य गुस्साए और अपर मुख्य अधिकारी पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि आने वाली 18 सितंबर को जिला पंचायत में एक सामान्य बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें धरने पर बैठे सदस्यों का कहना है कि उनकी मांगों का बैठक सूचना पत्र में कहीं जिक्र नहीं किया गया, जिसके चलते वे आने वाले सामान्य बैठक में प्रतिभाग नहीं करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने अभी 18 तारीख को एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया है, इनके द्वारा हमारे को एजेंडा अभी डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो उस एजेंडे में कहीं पर भी हमारे जो ये आंदोलन का जो हम जिस कारण से इस आंदोलन में बैठे हुए हैं उसके बारे में कोई भी चर्चा कोई भी जिक्र नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा था कि सदन का मामला है और सदन में ही उसका निपटारा होगा, लेकिन उनकी करनी और कथनी में इतना अंतर है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बैठक इसीलिए बुलाई गई है समस्या का समाधान होगा, उनकी जो भी समस्या होगी वो सदन में रखेंगे तो सदन भी निर्णय लेगा। जो 18 सितंबर की बैठक रखी गई है इसमें सभी माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण आमंत्रित किए गए हैं, तो सभी आए के अपनी बातें रखेंगे और सदन में जो निर्णय लिया जाएगा वही। देखिए सबसे पहले तो अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं संदेहों के घेरे में है। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिला पंचायत एक्ट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसपे हम विपक्ष का शब्द का इस्तेमाल कर सकें। सभी सम्मानित माननीय सदस्यगण 19 जिला पंचायत क्षेत्र हैं, 19 जिला पंचायत क्षेत्र के माननीय सदस्यगण सारे के सारे एक गैर राजनीतिक परिवेश में जीत के आते हैं, जिनपे इनका अलग अलग चुनाव के साथ होता है, और जिस तरीके से विधानसभाओं और लोकसभाओं में पक्ष और विपक्ष होता है तो उसमें नेता सदन, उपनेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की उपलब्धि उनमें दी, उपाधि उसमें दी जाती है, क्योंकि हमारे सभी सदस्य माननीय सदस्य हैं। तो अपर मुख्य अधिकारी का ये लिखना पत्र में सूचना के अधिकार में जवाब देना कि विपक्षी सदस्य, तो जबकि ये इसकी हम घोर निंदा घोर भर्त्सना करते हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर।